नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपको नई जानकारी देने की और हर रोज लेकर आते हैं हम आपकी समस्या का समाधान। आज फिर कुछ नई जानकारी के साथ रहेंगे हम आप सभी के साथ आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और इस महीने में अविवाहित महिलाएं, विवाहित महिलाएं मंगला गौरी की पूजा करें तो जल्द ही फल मिलता है। तो कैसे करें माँ मंगला गौरी को प्रसन्न, एक पूजा विधि जो माँ को खुश करेगी, सब जानेंगे आज जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी से। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए दर्शकों, तो देर किस बात की, इस बारे में जान लेते हैं पंडित जी से विस्तार से। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, माँ मंगला गौरी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे श्रावण मास में किए जाने वाले, कन्याओं और विवाहित महिलाओं के द्वारा किए जाने वाले माँ मंगला गौरी के व्रत के बारे में। तो शुरुआत करते हैं माँ मंगला गौरी व्रत के बारे में। दोस्तों, श्रावण मास में आने वाली सभी व्रत उपवास किसी भी इंसान के, व्यक्ति के सुख सौभाग्य में वृद्धि करते हैं। श्रावण मास के प्रत्येक मंगलवार को देवी मंगला गौरी की आराधना की जाती है। सौभाग्य से जुड़े होने के कारण इस व्रत को अविवाहित कन्याएं, विवाहित और नवविवाहित महिलाएं करती हैं। इस व्रत को मंगला गौरी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक पुराणों के अनुसार मंगलवार के दिन पड़ने वाले, श्रावण मास के प्रथम मंगलवार के दिन पड़ने वाले व्रत को मां मंगला गौरी व्रत कहा जाता है और मां मंगला गौरी व्रत को करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस उपवास को करने का उद्देश्य सुयोग्य और मन वांछित वर प्राप्त करने के लिए है। विवाहित महिलाओं के द्वारा अपने पति और संतान के लंबे और सुखी जीवन की कामना करना है। तो जिन महिलाओं की कुंडली में वैवाहिक सुख में कमी है, दाम्पत्य जीवन दुखमय होता जा रहा है, डिवोर्स जैसी समस्या सामने खड़ी है, अलगाव जैसे अशुभ योग बन रहे हैं, उन अविवाहित कन्याओं को जो कि सुयोग्य जीवन साथी की तलाश में है, उन महिलाओं को, उन कन्याओं को यह व्रत विशेष रूप से करना चाहिए। आज के दिन से इस व्रत का शुभारंभ होता है। इस व्रत के विषय में यह मान्यता है कि यह उपवास नियम अनुसार किया जाए, व्रत जो है नियम अनुसार किया जाए तो यह वैवाहिक सुख को बढ़ाता है, हैप्पी मैरिड लाइफ करता है, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाता है, सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति कराता है। भगवान शिव और माँ पार्वती, कितना अद्भुत उनके बीच में प्रेम था। ऐसा दाम्पत्य जीवन हर महिला की चाहत होती है कि भगवान भोले जैसे पति मिले। तो यदि आप शिव स्वरूप पति को चाहती हैं, आप चाहती हैं कि आपको भगवान भोलेनाथ जैसा पति मिले, तो इस व्रत को कन्याएं जो हैं वो अवश्य करें। और यदि आप चाहती हैं कि आप का दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहे, तो अपने पति के पूर्ण प्यार को प्राप्त करने के लिए, संपूर्ण प्यार को प्राप्त करने के लिए इस व्रत को अवश्य करें। और यदि आप चाहती हैं कि आपकी संतान निरोगी बने रहे, आपकी संतान जीवन में तरक्की करे, सुख प्राप्त करे, तो इस व्रत को अवश्य कीजिए। तो दोस्तों, यह व्रत महिलाएं अपने पति और बच्चों की अच्छी किस्मत और सुख व लंबी वैवाहिक जिंदगी के लिए करती है। शास्त्र कहते हैं कि विवाह के 5 वर्ष तक प्रत्येक श्रावण मास में पड़ने वाले मंगलवार के दिन इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। कि मंगला गौरी का जो व्रत किया जाता है, इस व्रत के पीछे जो कथा होती है वो कथा भी जानना चाहेंगे हम आपसे अब। जी बिल्कुल, मां मंगला गौरी व्रत के पीछे एक छोटी सी कथा है, संक्षिप्त में उसको भी जान लेते हैं।
कुंडिन नगर में धर्मपाल नामक एक धनी सेठ रहता था। उसकी जो पत्नी है सती साध्वी और पतिव्रता थी। उनके कोई पुत्र नहीं था। सब प्रकार के सुखों से समृद्ध होने के बावजूद भी वो दंपत्ति हैं बड़े दुखी रहा करते थे। अक्सर उनके यहां एक जटा रुद्राक्ष बालाधारी भिक्षुक प्रतिदिन आया करते थे। सेठानी ने एक दिन सोचा कि इस भिक्षुक को मैं कुछ धन दे दूं, संभव है इसी पुण्य से मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए। ऐसा विचार कर पति की संपत्ति में से सेठानी ने भिक्षुक की झोली में छिपाकर, झूठ बोलकर छिपाकर सोना डाल दिया। इसका परिणाम उल्टा हो गया। जो भिक्षुक थे वो अपरिग्रह व्रति थे। इस तरह के सोना चांदी वो कभी नहीं लिया करते थे। तो जैसे ही उनके बैग में, झोले में उन्होंने उस गोल्ड को देखा, उस सोने को देखा, तो उनका व्रत भंग हो गया। तो व्रत भंग को जान करके सेठ सेठानी को संतानहीनता का श्राप दे दिया। फिर बहुत अनुनय विनय करने के पश्चात में उन्हें मां गौरी की कृपा से एक अल्पायु पुत्र की प्राप्ति हुई। उसे 16वें वर्ष में सर्पदंश का श्राप दे दिया गया था कि जब ये 16 वर्ष का होगा तो इसको सांप डस लेगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन विधि का विधान देखिए, उस बालक का जो विवाह है वो ऐसी कन्या के साथ में हुआ जिसकी माता ने मां मंगला गौरी व्रत किया था। और इस व्रत का ऐसा विधान है, मां मंगला गौरी के व्रत का ऐसा विधान है कि उस व्रत के प्रभाव से उत्पन्न जो कन्या है वो कभी विधवा नहीं हो सकती। तो पति को तो श्राप था 16वें वर्ष में मृत्यु का, और पत्नी को आशीर्वाद था कि वो विधवा नहीं हो सकती। कैसी लड़ाई हो गई है। और अंततः वो जो बालक है वो शतायु हो गया। न तो उसे सांप डस सका और न ही यम के दूत 16वें वर्ष में उसके प्राण को ले जा सके। इसलिए ये जो व्रत है, मंगला कौरी का व्रत है, वो प्रत्येक नवविवाहिता को करना चाहिए, हर महिला को करना चाहिए, अविवाहित कन्याओं को करना चाहिए। पूर्ण संतान सुख की कामना के लिए, पूर्ण दाम्पत्य सुख की कामना करने के लिए अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। जिन महिलाओं की कुंडली में वैवाहिक सुख में कमी है, डिवोर्स जैसे कोर्ट कचहरी के उसमें फंसी हुई है, अलगाव जैसे अशुभ योग बन रहे हैं, उन महिलाओं को तो विशेष तौर पे आज के दिन से ही इस व्रत को आरंभ कर देना है। नियम अनुसार यदि हम व्रत को करेंगे तो निश्चित तौर पे वैवाहिक सुख को प्राप्त होंगे। यह उपवास नियम अनुसार किया जाए तो वैवाहिक सुख को बढ़ाता है, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने में सहयोग करता है। सभी मंगलवार जितने भी सावन मास में आज से शुरू करेंगे और जितने भी मंगलवार आएंगे, हर मंगलवार को आपको मां मंगला गौरी का व्रत करना है। ध्यान रखिए, सावन मास में आने वाले सभी व्रत उपवास व्यक्ति के जीवन में सुख सौभाग्य में वृद्धि करते हैं। सौभाग्य से जुड़े होने के कारण ही इस व्रत को महिलाएं, नवविवाहित महिलाएं करती है। इस व्रत का उद्देश्य, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, कि पति और संतान के लंबे और सुखी जीवन की कामना करना है, तो आज आपको इस व्रत को करना, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दर्शकों, पंडित जी जो महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को दे रहे हैं उसे काफी ध्यान से सुनिएगा, वो जानकारी आपके लिए काफी लाभप्रद साबित हो सकती है। पंडित जी, मंगला गौरी का जो व्रत किया जाता है, उसका जो पूजन होता है, उसमें क्या क्या सामग्री उपयोग में आती है, वो जानना चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं कि माँ मंगला गौरी व्रत पूजन में क्या क्या सामग्री चाहिए आपको। तो जो सामग्री चाहिए वो लिखते जाइए। फल लेने हैं आपको, फूलों की मालाएं लेनी है, लड्डू लेने हैं, पान के पत्ते लेने हैं, सुपारी लेनी है, साबुत सुपारी, इलायची लेनी है, लौंग लेनी है, जीरा और धनिया। ध्यान रखिए, ये सभी वस्तुएं जो मैं बोल रहा हूं 16 की संख्या में होनी चाहिए, 16। साड़ी सहित यानी कपड़े सहित 16 सिंगार की 16 वस्तुएं, 16 चूड़ियां। इसके अतिरिक्त 5 प्रकार के सूखे मेवे, वो भी 16 जगह।
सात प्रकार के धान्य कौन से हुए? गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर। ये सात प्रकार के धान्य, गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर, ये भी जो सामान है ये 16 जगह 16 बार में आपको लेके रखना है। तो दर्शकों, फिलहाल के लिए वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, पर आपका ही मजा आएगा। जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में।